अच्छी बात ये है कि बारिश नहीं आ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर डे ऑफ माय ब्लॉग सीरीज। एंड जैसे कि आप सबको मैंने कल का ब्लॉग में बोला था कि आप सबको एंड पे कि मैं आप सबको गुलमार्ग साइड लेके जाऊं सुबह सुबह व्यू पॉइंट दिखाने के लिए। एंड थैंक गॉड गाइस, बारिश नहीं आ रही है। वेदर देख सकते हो कितना धुम पड़ा हुआ है, मतलब खुला ही नहीं है ना, तो उसका कारण से कुछ अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा है। भी आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉमिस किया है लेके जाने का, एंड आपको लेके जाऊंगा, बने रहिए वीडियो में ना। तो चलते हैं, तो भाई सफर में स्टार्ट बने अंदर। मैं देख रहे हो रस्ते की हालत, देख रहे हो इतनी खराब है ना भाई, यहाँ से कैसे लेके जाऊँ अभी मैं, मुझे उठा के जाना पड़ेगा इसकी साइकिल को। सो गाइज, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था ना, तो उसका कारण से मुझे साइकिल उठा के ले जाना पड़ा। एंड चले गाइज, अभी अच्छे रास्ते में आ चुके हैं। एंड फाइनली एक्चुअली क्या है ना, आज मैं आप सबको साइकिल पे लेके जा रहा हूँ। दूसरा दिन जो होता था मैं स्कूटी पे लेके जाता था, तो आपको उतना अच्छा सा व्यू पॉइंट दिखा नहीं पा रहा था ना। तो फाइनली आज, अभी एक्चुअली टाइम भी नहीं बोलना पा आपको, अभी का टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। एंड साइकिल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भांजा अभी तक उठा नहीं है, तो उसका कार खाली है, तो लेके जाता हूँ। उसलिए भी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आपको प्लान किया था। एंड अभी तक वो खुला नहीं है, देख सकते हो पार्ट, आई थिंक आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और वो खुला नहीं है अभी तक। तो एक्चुअल में क्या है ना, आपका वेदर जो आज का है ना, उतना अच्छा वेदर नहीं है। एंड देर इज स्टिल चांस टू रेनिंग, यू नो, तो पानी आने से आगे आप सबको लेके जाऊं मन में सोच आया। तो चलिए गाइस, सफर में बने रहिए। एंड सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे लगा यहाँ आकर ना गाइस, दैट द वेरी क्यूरियस अबाउट फिटनेस, यू नो। तो मॉर्निंग या इवनिंग में दोनों में देखता हूँ कि फिटनेस के लिए कितना क्रेजी है यहाँ का लोग, तो मुझे अच्छा लगता है ना अबाउट द थिंग्स यू दे यूज टू डू इन लाइफ, सो आई लव दैट काइंड ऑफ पीपल। दिस इज द व्यू पॉइंट, एंड कसम से बोल रहा हूँ ये व्यू पॉइंट अभी अधूरा है क्योंकि ये खुला नहीं है। ये खुला होता तो आप सबको मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता आप सबको। इवन मी साइकिल में हूँ, मजा ही कुछ और है भाई। यहाँ से टर्निंग करना पड़ेगा, ये व्यू पॉइंट देखेगा इस कसम से गाइस, अगर धूप खिला होता ना तो गाइस दिस व्यू पॉइंट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो गुलमा का ढाबा है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो आगे भी 2-3 खुला है वहाँ पर वो आगे पड़ता है आपको, ठीक है। तो चलिए सफर में बने रहिए गाइस। देखो भाई, सुबह सुबह ही दिखता है वो, देख रहे हो खुल रही है, देख रहे हो वो वाइप, देख रहे हो। एक बार मैं स्लो कर लेता हूँ साइकिल, आप देख लो यहाँ से दिखती है ना भाई, वो मज़ा ही कुछ और है यार। बोले का वो है उधर जी, भोलेनाथ टर्न, राइट टर्न लेंगे, देख सकते हो। ये वाला नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला तो स्टेशन पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग कच्चा रास्ता लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला रास्ता लेके जाएंगे आपको गाइस, फ़ोन गिरने का चांसेस बहुत है क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है, ये फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो आई थिंक यू लव दिस, बिकॉज ये कच्चा रास्ता मुझे पसंद है क्योंकि, सो स्पेशली मुझे ऐसा जगह पे ना, मुझे लाइक छोटा मोटा लाइक, यू नो, दिस मुझे लगता है कि ये जगह ना आई रियली लाइक टू, घूमने का मन किया था कि लाइक साइकिल पे ना, साइकिल पे आता हूँ मैं वैसे वक्त ज़्यादा, मगर गुलमा आता हूँ ना तो मैं साइकिल लेके आता हूँ। इनका सफ़र ही कुछ और यार, अगर आप इन्जॉय करने लगोगे ना कंपनी, तो आपको वो एन्जॉय मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेंगे। तो मेरा मायने है वो। ये भी एक ही है, ये भी ढाबा है दो को, तो आप 2-3 ही यहाँ पर ढाबा देख सकते हैं गुलमा पे। आपको अगर कुछ खाना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है, देख सकते हो। तो गाइस
ये है सफ़र एंड हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस टू शो यू एंड चलिए बने रहिए वीडियो में गाइस। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग 100 मीटर की दूरी पे है, बोल नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ आप सबको वहाँ पर लेके जाना है। एंड ये सुबह सुबह का वाइब्स आहा मज़ा ही गुजर है भाई आप वहाँ पर। अरे यार अभी मेरा एयर भेज जाएगा भाई, चलो तो भी इसको लेके जाता हूँ। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एंड अभी यहाँ से साइकिल नहीं चढ़ेगा मेरा, तो अभी मुझे चल के जाना पड़ेगा। ठीक है चलिए को मैं यहाँ पर ही पार्क कर लेता हूँ। ठीक है तो गाइस ये व्यू पॉइंट देखे यार, कसम से आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुबह सुबह का व्यू पॉइंट है, ये जस्ट खुल रहा है देख सकते हो, ये सब वादियाँ जस्ट सब खुल रहा है अभी। एंड भाई ये जो पानी देख रहे हो ना, कसम से गाइस ये जो रेख देख रहे हो ना यहाँ से आ रही है, ये भूटान से आ रही है ना। हो वो थक गया यार मैं तो कसम से, इतना ज़्यादा वाइब्स। एंड गाइस आप सब लकी हो ना, आप सब के लिए मैं पानी आने वाली है पर आपको पता नहीं, आप सबको दिखाने के लिए भी पूरा जाओ जाओ दिखा के आओ आज व्यू पॉइंट गुलमा का, बोला होगा ऐसा लग रहा है मेरे को क्योंकि पानी ना बहुत आने लाइक सुबह से ना, कल भी था पानी ना पूरा आ रहा है, पर आज जो मैंने कल आपको ब्लॉग में बोला था कि आप सबको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर लेके, पर आज पता नहीं तब से पानी बारिश रुक गया आप सबके लिए पता नहीं। तो गाइज ये है व्यू पॉइंट गुलमा का, ये बहुत ही ज़्यादा नज़ारा अच्छा लग रहा है एंड धूप खिलता तो गाइज आपको पता नहीं ये व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा आ रहा है। एंड आप एक बार आकर विजिट करो यहाँ पर ना गुलमा साइड, ये बिलन मोड़ से थोड़ा सा दूर पड़ता है एंड ये वन ऑफ द फेमस प्लेस इन सिलीगुड़ी राइट नाउ इट्स ट्रेंडिंग यू नो, तो आप एक बार आकर विजिट करो। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, चलिए मुझे अभी यहाँ के लिए थंबनेल के लिए पिक्चर भी क्लिक करना है ना, तो यहाँ से भी थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा सा पास है ये देख सकते हो यहाँ पर ये रेलवे, ये वाला देखो भाई सुबह सुबह का ट्रेन है, डेमो ट्रेन है, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं यहाँ से सिलीगुड़ी से होके जाता है अलीपुर द्वार। भाई देख रहे हो सुबह सुबह आने का फायदे कुछ यार, सब कुछ दिखता है यार। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देख सकते हो एंड आई थिंक आप सबको ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा है ना। आई लविंग दिस प्लेस यू नो, वन एवर आई केम टू विलन मोड यू नो, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड पीस आते ही मैं सबर नहीं होता कि आई रियली लव दिस प्लेस यू नो, दिस वेरी फैंटास्टिक एंड द वाइब्स इज डिफरेंट फॉर मदर्स, ये वाइब्स बहुत अलग है, यहाँ से पीसफुल है एंड आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सको यहाँ पर आके ना। तो ऐसा लग रहा है मेरे को मोटा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जो आज पता नहीं, पर साइकिल में ना पर मुझे बहुत शौक है ना दोस्तों गोप्रो लेके ऐसे ही घूमना, आप सबको भी दिखाना, मेरे को घूमना बहुत पसंद है एंड आई थिंक वो भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। आप ऐसे देखते रहो ऐसे प्यार करते रहो ना गाइस, मेरा भी ड्रीम है एक गोप्रो लेना एंड ना घूमना आप सबको घुमाना है ना, फुटेज दिखाना अच्छा अच्छा, आई थिंक वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस अभी तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ पर एंड देख सकते हो ये वाला व्यू पॉइंट है ना, आपको वहाँ दूर से दिखाया था ये व्यू पॉइंट वाला, आपको वहाँ से दिखाया था वो रास्ते से जो कि ये बम बम भोले यो ये भगवान आशीर्वाद देना जो भी हो जाए अच्छे हो जाए। तो चलिए गाइस आपको मैं यहाँ से अभी फॉरेस्ट होके लेके जाऊँगा, ठीक है पहले आए थे तो हम लोग वो रास्ते से, अभी लेके जाऊँगा ये रास्ते से। आपको एक्चुअली 2 रास्ते पड़ता है यहाँ पर आने से जाने से ना, आप आ सकते हो इस रास्ते पर, बेसिकली क्या होता है कि ये रास्ते यूज़ करता है कौन, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लाइक अभी चेकिंग पे रहते हैं ना, तो उसका कारण से ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि आप यहाँ पर आ सकते हो एंड वहाँ से जो रास्ता पड़ता है वहाँ पर आपको पुलिस हमेशा रहता है क्योंकि ये जगह अभी ऑन ट्रेंडिंग में है, तो उसका कारण से पुलिस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई लोग हेलमेट केयरलेस करते हैं ना, तो उसका कारण मज़ा ही कुछ हो रहा है यार,
देख रहे हो मैं साइकिल पेरा नहीं हूँ, चलाया नहीं हूँ, ऐसे जा रहा हूँ यार। एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पर अभी थोड़ा साइकिल से पिक्चर लूँगा, ओके। अब थोड़ा चलो गाइस, फाइनली एक पिक्चर क्लिक कर लिया, एंड अभी एक्चुअली में आदत सा हो गया है जो कि ब्लॉगिंग करता हूँ एवरीडे ना, तो मुझे एक्चुअली में आदत हो गया अभी पिक्चर क्लिक करना है ना, मुझे ज़्यादातर देखना पड़ता है लोगों को पहले से, पहले होता था ऐसे, पर अभी ना तो ब्लॉगिंग करके करके आदत हो गया कि हाँ पिक्चर भी हाँ अब अपने आप ही क्लिक कर लेता हूँ, एंड वीडियो देख ही लेते हो कैसे बनाता हूँ। तो चलिए गाइस, आई थिंक आप सब भी बोर हो रहे होंगे, तो इस गाने का मजा लीजिए, ठीक है। ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। कैमरा कल से डिस्टर्ब कर रहा था मेरा जहाँ, तो उसका कारण से ना वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था। तो गाइस जैसे कि आप सबको मैंने बोल दिया था कि आप ये एक्चुअली में आज मोटर ब्लॉगिंग था, साइकिल मोटर ब्लॉगिंग है ये एक्चुअली में, आप सबको जानकारी के लिए बता दूँ। एंड दिस गाय दिस व्यूज इज वेरी डिफरेंट, एंड मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। तो सुबह सुबह आना ही अच्छा रहता है यहाँ पर। सो मॉर्निंग अंकल। सो सुबह सुबह आना इज वेरी डिफरेंट हियर, तो आप सबको लेके आया, एंड आई होप आप सबको ये जगह अच्छा लगा, एंड कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड सो गाइस, जैसे कि अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर में, एंड आई होप आप सबको मेरा साइकिल ब्लॉगिंग अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा था लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, यू नो। तो मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।